हाय फ्रेंड्स, आज के वर्कशॉप में हम दो ड्रिल बिट को कंपेयर करेंगे कि कौन सा ड्रिल बिट पिलर में अच्छा से होल करता है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें इसी दोनों ड्रिल बिट को कंपेयर करके एक ईंट में होल किया था, जो वीडियो आप साइड में देख रहे हो। तो एक भाई ने मुझे कमेंट किया कि इस दोनों ड्रिल बिट से आप पिलर में होल करके दिखाओ और उस पर एक वीडियो बनाओ। तो उसी भाई के कहने पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और जैसा कि आप देख रहे हो, मेरे सामने में एक घर है और ये इसका पिलर है। मैं मोबाइल को रोटेट करके दिखा देता हूँ, ये पिलर है पूरा ऊपर से नीचे तक, और इसी में मैं आपको दो ड्रिल बिट के द्वारा होल करके कंपेयर करके दिखाऊंगा। ये मेरा बॉस का ड्रिलिंग मशीन है और यहाँ पर दो ड्रिल बिट है, यहाँ पर नीचे में रखा हुआ है। और मेरा ड्रिल बिट में हम 220 वोल्ट का सप्लाई दे चुके हैं। अब हम अपने मोबाइल को सेटअप कर लेते हैं, ट्राईपोड में लगा देंगे और अपने मोबाइल को हम फिक्स कर लेंगे यहाँ पर। ये मेरा ट्राईपोड है, इसी में हम अपने मोबाइल को फिक्स कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसमें होल करके। तो हम जल्दी से अपने मोबाइल को ट्राईपोड में सेटअप कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसमें कंपेयर करके दिखाऊंगा दो ड्रिल बिट को। सबसे पहले जो आप ये ड्रिल बिट देख रहे हो, ये टपारिया कंपनी का है और ये 12 mm का है। इसका जो होल होगा ये 12 mm होल करेगा और इसका जो हाइट है लगभग 1 फीट है, 1 फीट से थोड़ा कम है, 10 या 11 इंच है। और ये इसका जो माउथ देख रहे हो आप आगे में, इससे मैं इसे बहुत दिन से यूज कर रहा हूँ, इसीलिए इसका जो माउथ है सबसे टिप पॉइंट है वो थोड़ा सा टूट चुका है जैसा कि आप देख रहे हो। तो चलिए इसे हम ड्रिलिंग मशीन में सेट करते हैं, उसके बाद मैं आपको जल्दी से इसमें होल करके दिखाता हूँ कि कितना आसानी से और कितना जल्दी से ये इस पिलर में भी होल कर देता है। और मैं इसे लगभग एक डेढ़ साल से यूज कर रहा हूँ। जब जब मुझे यूज होता है तब मैं इसी से होल करता हूँ। मैं इस टपारिया कंपनी का ड्रिल बिट को बहुत दिन से यूज कर रहा हूँ, लगभग 1.5 साल से यूज कर रहा हूँ, और ये बहुत ही अच्छा से पिलर में भी होल कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी चीज़ में आप अच्छे से होल करोगे, यानी कि जल्दी से होल करना चाहते हो पिलर में भी, आपको ड्रिलिंग मशीन के साथ साथ ड्रिल बिट भी अच्छा होना चाहिए। दोनों में से कोई भी एक चीज़ गड़बड़ होगा तो आप जल्दी से होल नहीं कर पाओगे, होल करने में बहुत ही दिक्कत होगा। यदि ड्रिलिंग मशीन अच्छा है तो ड्रिल बिट भी अच्छा होना चाहिए। यदि ड्रिल बिट अच्छा नहीं है, बढ़िया कंपनी का नहीं है, तो उसका माउथ जो है तुरंत टूट जाएगा, और आप होल नहीं कर पाओगे। और यदि आपका ड्रिल बिट अच्छा है और ड्रिलिंग मशीन अच्छा नहीं है, उससे भी आप अच्छा से होल नहीं कर पाओगे। और जब आप किसी भी चीज़ में होल करो तो बार बार कुछ देर के बाद उसका जो ड्रिल बिट है उसे बाहर निकालो, क्योंकि उसमें जो धूल धूल निकलता है इसे आप बाहर कर दो। यदि उसे आप बाहर कर दोगे तो उसका जो फ्रिक्शन है तो वो कम हो जाएगा और वो और भी ज़्यादा स्पीड में रोटेट करेगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा देर पर उसके अंदर जितना भी कचरा है तो उसे बाहर निकाल दो, कुछ इस तरीका से, जैसा कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा देर पर इसे ड्रिल होने के बाद इसे हम बाहर निकालते हैं ड्रिल बिट को। जब हम ड्रिल बिट को बाहर निकालते हैं तो उसका साथ साथ जो उसका धूल है वो भी बाहर निकल जाता है। देखो मैं अभी निकाल रहा हूँ, इसके साथ जो ड्रिल बिट है वो भी, इसके साथ जो धूल है वो बाहर निकल जाएगा ड्रिल बिट के साथ साथ। और आप इसी तरीका से आसानी से बहुत ही अच्छे से बहुत ही जल्दी किसी भी पिलर में भी अच्छे से होल कर पाओगे। आपको होल करते समय एक दो बात का और ध्यान रखना है, जब भी आप पिलर में होल करो, पिलर में या फिर दीवार में होल करो, तो ड्रिलिंग मशीन को हैम्बर मोड पर डाल के इसे यूज करो। यदि आप नॉर्मल मोड पर डाल के इसे होल करोगे तो होल करने में बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा और ज़्यादा मजबूत पिलर रहेगा या फिर दीवार रहेगा तो आप होल भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए जब भी आप ड्रिलिंग मशीन का यूज करो तो हैम्बर मोड में डाल के यूज करो दीवार पर। जैसा कि आप देख रहे हो, ये पिलर में लगभग 5 से 6 इंच अंदर होल हो चुका है। अभी मैं आपको इसके नज़दीक ले जाकर दिखाता हूँ ये कितना ज़्यादा होल हो चुका है। ड्रिलिंग मशीन को इसमें हम लगा देते हैं कुछ इस तरीका से, यहाँ पे इसके अंदर डाल देंगे और उसके बाद मैं आपको मोबाइल को इसके नज़दीक ले जाकर दिखाता हूँ ये कितना होल कर चुका है। लगभग 5 से 6 इंच ये आसानी से होल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने मोबाइल को यहाँ पर इसके नज़दीक सेट कर दिए हैं। अब हम इस ड्रिलिंग मशीन को बाहर निकालते हैं, उसके बाद आप देख लेना लगभग 5 से 6 इंच ये होल कर दिया है इतना ही देर में। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ये कितना अंदर यहाँ पे होल कर चुका है, यहाँ पे इतना दूर होल कर दिया है, लगभग ये 5 इंच के आसपास तो है ही, 5 इंच ये आसानी से होल कर दिया है जैसा कि आप देख रहे हो। और ये बहुत ही जल्दी और आसान से होल कर देता है। चलिए अब हम इसका जो ड्रिल बिट है उसे हम चेंज करते हैं। अब हम यहाँ पर दूसरा ड्रिल बिट लगाएंगे, उससे मैं आपको इसे होल करके दिखाऊंगा कि वो कितना जल्दी इसमें होल कर पाता है। अब जो मैं आपको दूसरा ड्रिल बिट लगाऊंगा, लेकिन उस ड्रिल बिट को लगाने से पहले मैं आपको इसका होल दिखा देता हूँ ये कितना बड़ा होल है। इसका जो होल का जो डायमीटर है वो 12 mm का ड्रिल बिट था, 12 mm का ये होल किया है। अब हम दूसरा ड्रिल बिट को लगा के दिखाता हूँ। ये जो दूसरा ड्रिल बिट है वो सिस्को कंपनी का है और ये 10 mm का है। यहाँ पर जो होल करेगा वो 10 mm डायमीटर का होल करेगा और इसका जो लंबाई है वो 7 इंच है। तो चलिए इससे मैं आपको होल करके दिखाता हूँ। इसका जो होल करने का स्पीड है और भी ज़्यादा है, ये 10 mm का है, उससे 2 mm कम है, लेकिन इसका जो स्पीड है आपको देखना, बहुत ही ज़्यादा स्पीड में ये होल करता है। इस ड्रिल बिट को भी मैं लगभग 6 महीना से यूज कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा नया है और इससे मैं कम यूज किया हूँ, लेकिन इसका जो स्पीड होल करने का स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा है। ये सिस्को कंपनी का है, ये आप ध्यान रखना।
और आप जब भी यूज़ करना तो आप सिस्को कंपनी का यूज़ करना, क्योंकि मैं सिस्को कंपनी का ही प्रीफर करूँगा। मैं दोनों ड्रिल बिट को यूज़ किया हूँ, लेकिन सिस्को कंपनी का जो होल्ड करने का स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा है, ये तुरंत होल्ड कर देता है। इससे पहले जो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इसी दोनों ड्रिल बिट को कंपेयर किया था और ईंट में छेद किया था, उसमें आप जाकर देखना, उसमें और ज़्यादा साफ साफ देखेगा कि ये सिस्को कंपनी का जो ड्रिल बिट है वो कितना ज़्यादा स्पीड में होल्ड करता है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। चलिए इसे भी मैं आपको यहाँ पे आके नज़दीक आके दिखा देता हूँ। ये आसानी से इसमें होल कर दिया है और इसका होल करने का स्पीड जो है सिस्को कंपनी का जो ड्रिल बिट है इसका होल करने का स्पीड बहुत ही ज़्यादा है। इसीलिए मैं दोनों ड्रिल बिट से दोनों जब मैं दोनों ड्रिल बिट को कंपेयर करता हूँ तो मैं सिस्को कंपनी का ही प्रीफर करता हूँ कि आप जब भी लो तो यदि आपके पास ऑप्शन रहे तपाड़िया या फिर ड्रिल या फिर सिस्को तो आप सिस्को कंपनी का ही लेना। तो चलिए अब मैं इसका भी होल दिखा देता हूँ। इसका जो होल है उसका जो डायमीटर है वो 10 mm का है या फिर नहीं है और ये कितना बड़ा होल है। मैं अपने मोबाइल को इसके नज़दीक लेकर चलता हूँ और उसके बाद मैं इसका होल दिखाता हूँ। ये ऊपर का जो होल है वो 12 mm का ड्रिल बिट से किया गया है और नीचे का जो होल है वो 10 mm का ड्रिल बिट से किया गया है। आप देख सकते हो छोटा नीचे वाला जो होल है वो थोड़ा सा छोटा है, उसका जो डायमीटर है वो थोड़ा सा कम है।